लॉक बना रहा था, एकदम से पीछे से धमकी आवाज आई, देखो बन रहा है। इतनी डेंजरस जगह पर रख के अभी शूट कर रहे हैं, तो अगर टाइम लैप्स का शॉट अच्छा लगा तो इसी बात पर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आधे घंटे खड़े रहना पड़ा इस शॉट के लिए भी ज़रा लाइक। तो ये देखो कितनी डेंजरस जगह, रिस्क लेने की हमारी आदत है, किसी ने इसके चक्कर में कुछ काम हो जाएगा। वो खड़ी हुई अपनी बाइक 900 सालों से उधर खड़ी हुई है, जूम से अगर आपको दिख रही हो तो 10,000 करोड़ सालों से खड़ी है, 900 सालों से 10,000 करोड़ साल। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रस्सी क्यों बांधी, ये रस्सी बांधने का रीजन ये क्योंकि यहाँ पर आ जाते हैं बंदर, बंदर आ जाता है। एक दफा आया था फ्रिज में से आम निकाल के ले गया, रमजान वाली थी रोजे वाले, ऐसे होता है। और ये एंगल जो इतना बढ़िया इतना परफेक्ट जगह है, देखें आप इस कैमरे से, आप क्या झलक है। ये मेरे को मिला था गिफ्ट में, लेकिन मैं इसका सही से ख्याल नहीं रख पाया, तो थोड़ी बहुत पन्नी यहाँ से फटी हुई है, थोड़ी यहाँ से, ये हाथों से बनाई गई है अपनी। ये मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट मिला था पहले का, तो मैं सोचा इस पर कुछ कारीगरी करूँ जब तक मैं घर पर हूँ। कह रहे थे जब तक मैं घर पर हूँ तो मैं किसी चीज पे तो कारीगरी करूँ, लेकिन कई बार काम खराब भी हो जाते हैं मेरे। अभी तो ये अच्छा है, लेकिन जब हम अपना अंदर का टैलेंट बाहर निकालेंगे कहीं और बेकार ना हो जाए या कुछ ज्यादा अच्छा ना हो जाए। अभी तो इसको ऐसे ही फिलहाल छोड़ देते हैं, जो चीज मैंने हर बार जल्दबाजी में करी है वो खराब ही हुई है। शांति से अभी टाइम है, आज 2 अप्रैल है, टाइम है अभी बहुत टाइम है, और कुछ नहीं। अपना 1:27 पर व्लॉग आ चुका है, आज भी 2 अप्रैल है, जिस दिन मैंने व्लॉग अपलोड करा उसी दिन मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, डेली व्लॉग्स करने हैं यार। मैंने जिस दिन एक दिन अलकसी कर ली तो पूरे टाइम अलकसी अलकसी। अगर पुराना व्लॉग भी आपको अच्छा लगा और ये वाला व्लॉग भी अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो ना। चैनल पर नए आए हो, पहली दफ़ा ये खूबसूरत चेहरा देख रहे हो, खूबसूरत लोटे को, तो सब्सक्राइब करो चैनल, बढ़िया सर, बस इतना कहना था सर। अब ये वाली स्थिति हो चुकी है कि मैं घर पर बैठे बैठे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं पक रहा हूँ खाली सब, मेरा दिमाग अब खराब सा होने की कगार पे बिल्कुल ही है। थोड़ा सा टाइम रह गया है, लेकिन वही है ना, क्या क्या करें, आदत से मजबूर, आदत से मजबूर, परेशान हो चुका हूँ। एक तो कुछ हो पाता है ऐसे पॉसिबल है कि वहाँ जाना हमारी सेफ्टी के लिए, बस क्या कर सकते हैं, अभी नहीं अभी नहीं, बाद में तो सुना अभी बाहर से बुलेट की आवाज़ आ रही थी, पुलिस वाले तैनात हैं। और ये व्हाट्सएप का बड़ी अजीब बीमारी है यार, मैंने जो अभी एंगल का शॉट इस वीडियो से लिया, इस फोन से लिया, मैं उसमें व्हाट्सएप से भेज रहा हूँ, मुसीबत आती रहती है, कुछ ना कुछ मुसीबत आती रहती है। अब देखते हैं आता है कि नहीं आता, तो स्टेटस को 15 सेकंड कर दिया 30 सेकंड से, क्यों करा ये भी नहीं पता, कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा क्योंकि हम ज़्यादा इसकी गहराई में घुसे नहीं है, जो हम अपना काम है वो करते हैं। वाला टिका लिया, काम हो गया, मैसेज आ गया स्कूल पर, लोग हर बार स्टार्ट कर दूंगा जब ये नहीं जाएगा। तो एक और बात कहनी है, आप लोग कहोगे कि आप बेकार आदमी, 1 सेकंड में पूरी बात क्यों नहीं करता, तो मेरे को एक बात कहनी है, कुछ लोग मुझसे कह रहे हैं कि भाई अपने व्लॉग में कॉमेडी करो, अब कॉमेडी कैसे करें, जो हमारा नॉर्मल लाइफ स्टाइल है हम वही तो अपने दिखा रहा है जहाँ तक जो हद तक हो सकता है जो हम जैसे कॉमेडी करते हैं, क्योंकि मैं ऑफ कैमरा बहुत ज़्यादा ऐसा कॉमेडी करता हूँ कि मतलब कॉमेडी नहीं कह सकते उसे, हंसी मजाक जो मैं इस कैमरे पर पूरी तरह नहीं पाता। अब धीरे धीरे जब कैमरा कर रहा है, व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे पूरा खुल के आएंगे इस पर, पूरा खुल के इस कैमरे पे आएंगे, तो जो लोग कहते हैं कि कॉमेडी नहीं हो रही ज़्यादा, भाई धीरे धीरे आती रहेगी, बस क्या कर सकते हैं, कुछ ही नहीं कर सकते, बस सब बढ़िया एकदम।
हम क्या बात कर रहे थे कि बंदर ना आ जाए, तो बंदर ही आ रहा है। दिख रहा है क्या यहाँ से? नहीं दिख रहा तो उसमें मेरा कोई फॉल्ट है नहीं। लॉक बना रहा था, एक दो तो पीछे से धम की आवाज आई, देखो बंदर। फटाफट मैंने खिड़की बंद करी, कभी फिर से आता कुछ निकाल के ले आता। लेकिन तुम्हारे भाई के होते हुए मजाक नहीं किसी की, कोई आ जाए अंदर। तो अभी हमारे ब्लॉग में एक बंदा आने से बहुत ज़्यादा शर्माता है, मेरा दोस्त है जिसका नाम है ईशान। बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं बेचारे, बहुत ज़्यादा शर्माते हैं जब मैं ब्लॉग बनाता हूँ, बिल्कुल आते नहीं। तो उनको फोन मिलाते हैं, उनके क्या हाल चाल है ज़रा जानते हैं बिना कुछ कहे। हेलो, हाँ भाई कहाँ है? हेलो, ये कौन बोल रहा है पीछे? हेलो हेलो, ये कौन बोल रहा है पीछे? कहना कि मैं तेरे को अपने ब्लॉग में लूंगा, तो अब लूंगा जरूर। अभी जो हमारी बात हो रही है ना, ये रिकॉर्ड हो रही है, वो वैसी वाली रिकॉर्ड नहीं हो रही, वीडियो पे। हाँ क्या अजान हो गई थी किसी बात पे? देख मैंने सच बात बोली एकदम, अजान हो गई। हाँ तो देखा आप लोगों ने, तो बातचीत तो कर लिया बहनो। इनका कहना ये है कि मैं तुम्हारे व्लॉग में आऊंगा जब लॉकडाउन खुल जाएगा। मैंने कहा हाँ, लॉकडाउन खुलने के बाद संडे वाले दिन में तुम्हारे ब्लॉग में आऊंगा। अब देखते हैं अपनी बात पे खरा उतरता है या नहीं उतरता ही है, पता लग जाएगा। बेटे तू मेरा ब्लॉग पूरा देखता है ईशान, मुझे पता है अगर नहीं आया ब्लॉग में मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ, शर्त है। डिश हमारी हमने खामा खाई लगवा रखी है बंदरों के लिए। ये निशान देख रहा हो, ये अभी यहाँ बंदर जी आए थे, खोल के देखा तो बस इसको बंद ही रखते हैं। पता चले अभी तो हम यही थे तो अंदर नहीं आ पाया, पता चले खोल के गए पीछे से आके कुछ निकाल के चले आएगा, उधर नहीं आता वो, उसको पता है जो है इसके अंदर है। तो आज का व्लॉग मैं सोच रहा हूँ बस अब एंड कर दिया जाए। तो बस क्या डायलॉग था, मैं डायलॉग बोल ना, दिल वाली दिल्ली। और मैं आपका मोहम्मद ईशान विदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।